हेलो दोस्तों, स्वागत है अमन बाइक पॉइंट में। और मैं आज आपको एक नई जानकारी दूंगा किस वजह से इंजन जल्दी बैठ जाता है और किस वजह से गलत स्पीड खराब हो जाती है। तो इन लापरवाही के कारण इंजन कैसे ऑयल खाने लगता है, कैसे धुआं देने लगता है, मैं वो सारी बातें आज आपको बताऊंगा। मेरा मकसद है आपके दो पैसे बचाना और लापरवाही से चीजें खराब होती हैं उनसे आगाह करना। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक गाड़ी में छोटी सी कमी से और इंजन पूरा बैठ गया है। चलिए उस गाड़ी के पास चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये है सुपर स्प्लेंडर, आप देख सकते हैं गाड़ी तो साफ सुथरी है लेकिन बस इसका नाश कर रखा है। तो दोस्तों इसमें जो लापरवाही हुई है, मतलब जो इसमें दिक्कत आई है वो ये आई है, इस गाड़ी का जो था वो क्लच यहाँ से बिल्कुल टाइट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो पिले है, ये लीवर का जो ये बोल्ट होता है, ये वाला जो बोल्ट होता है उसकी वजह से है, बाकी इसमें यहाँ से कोई चाल नहीं। देखो मैं ऊपर से कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं मैं ऊपर से ताली ला रहा हूँ, कोई चाल नहीं है। अब मैं बीचूंगा, वैसे कोई चाल नहीं है जो इस लीवर में होनी चाहिए ना, वो चाल इसमें है नहीं है। तो ये गाड़ी की जो है क्लच प्लेट बिल्कुल खत्म हो गई है, गाड़ी भाग नहीं रही है बिल्कुल भी, पिकअप नहीं बना रही है। और ये कैसे होता है क्लच टाइट, जैसे या तो आपने गाड़ी में क्लच प्लेट डलवाई तो वो कई बार फूल जाती है तो ऑटोमेटिकली क्लच टाइट हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये स्प्रिंग का डालना बहुत जरूरी है, इसे कई बार हल्के मिल जाते हैं तो इसका बहुत काम है। इसका मेन काम पिले का है, लीवर को खींच के रखती है, तार बिछा नहीं रहता इससे, तो ये हमेशा याद रखना डालनी है। तो दोस्तों इस गाड़ी में कुछ दिन पहले ही काम कराया गया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हाफ इंजन का काम हुआ था, क्लच प्लेट वगैरह का। अब मैं इसकी किक मारता हूँ तो देखो किक ऐसे बिल्कुल क्लियर ही, यानी के प्रेशर की दिक्कत नहीं है, किक स्लिप हो रही है, मतलब क्लच प्लेट बिल्कुल हाफ सेंटर इसके कट गए हैं, बिल्कुल धज्जी उड़ गई है इसकी हब सेंटरों की। और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही काम कराया था, आप देख सकते हैं सारी पैकिंग वगैरह इसमें लग रही है, ज्यादा दिन पुराना काम नहीं है। तो अब ये क्लच प्लेट के कारण गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं रहा, कस्टमर ने गाड़ी ऐसे ही चलाई काफी दूर तक और काफी किलोमीटर तक, कम से कम 200-250 किलोमीटर दो तीन दिन में गाड़ी चलाई। चलाने के बाद अब ये गाड़ी बिल्कुल बोल गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, किक से तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही, ये रहा कुछ नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा इसमें क्या दिक्कत आई है बड़ी, क्या लापरवाही के कारण हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए, पहले मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसका यहाँ से क्लच पूरा लूज कर दिया है, आप देख सकते हैं एडजस्टिंग बिल्कुल लूज है, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बहरहाल दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, अब हमें इसमें एक स्पार्क प्लग बदलना पड़ेगा जब ये जाके गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि इस गाड़ी में जो है हाफ इंजन का काम दोबारा मांग गई है गाड़ी। क्लच प्लेट खराब होने के कारण गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, रेस कर रही है, तो इस वजह से इंजन पे लोड पड़ता है। जैसे कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट फूक जाती है और आप उसे खींचे जा रहे हैं तो इंजन ज्यादा आवाज करता है, गाड़ी इतनी भागती नहीं है, तो इस वजह से इसमें दिक्कत आती है और इंजन पर फर्क पड़ता है। तो उसी के कारण अब इस गाड़ी ने धुआं देना शुरू कर दिया है, ये व्हाइट स्मोक दे रही है, इस वजह से प्लग इसका शॉर्ट हो गया होगा, वो काम नहीं कर रहा, इसका प्लग बदलते हैं और स्टार्ट करके आपको नतीजे दिखाते हैं। एक क्लच टाइट होने से, क्लच प्लेट फूकने से और गाड़ी को जबरदस्ती फिर खींचे जा रहे हैं तो उसको तो नाश हो गई गाड़ी का। तो इस वजह से ही मेरा मकसद ये है कि आपके दो पैसे नाजायज ना लगे। देखो वीडियो YouTube पे भरी पड़ी है, कैसे डालना है, कैसे फिट करना है, क्या चीज कितने की आती है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चीजों को खराब होने से पहले बताया जाए कि वो खराब क्यों होती है और खराब होने से पहले ना रोका जाए, तो मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का। तो मैं इसे को एक बार स्टार्ट करके धुआं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका हाफ इंजन खोलना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई प्लग बदलने के बाद भी, ये बड़े दो एक प्लग, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि गाड़ी में प्रेशर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और ये आप कंडीशन देख सकते हो, 2-4-5 दिन में क्या हो गई है, कितना ऑयल सिलेंसर में भर गया है। तो इसका खुलेगा हाफ इंजन, रिंग पिस्टन का इसमें काम होगा, वाल्व वगैरह डलेंगे, क्लच की असेंबली डलेगी जब ये इस गाड़ी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्लच प्लेट खराब होकर 5-7-10 दिन उस पर चलाने का, ये मैंने लूज भी कराया फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और इसी के कारण इसने धुआं देना शुरू कर दिया। कस्टमर ने बताया कि धुएं देने की सिस्टम नहीं थी, गाड़ी क्लच छोड़ते थे लास्ट में उठती थी और उसके बाद वो ऐसे चलाता गया गाड़ी के नाश हो गया है। तो आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी समस्या आती है, जैसे आपकी गाड़ी का क्लच लूज हो गया है, टाइट हो गया है, तो आपको मिस्त्री के पास जाके
मैकेनिक के पास जाकर उसे लूज कराना है और अपने गाड़ी को इंजन को सेफ रखना है, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें खराब होने से पहले आपको बता सकूँ, जागरूक कर सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी है, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए।